चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब तीन बार की पार्षद रही कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला फूल सिंह अपने समर्थकों समेत भाजपा में शामिल हो गई। इस दौरान वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रेमपाल सिंह चौहान ने भी चुनाव मैदान से हटते हुए भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने का भी ऐलान किया है। पार्टी कार्यालय कमलम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने शीला फूल सिंह और उनके समर्थकों को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के महामंत्री रामवीर सिंह भट्टी और पार्टी प्रवक्ता कैलाश जैन भी मौजूद थे। उन सबके बहुत बड़े नेता जो हैं वरिष्ठ नेता प्रदेश लेवल के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक सर्व समाज की पार्टी है जिसमें सब वर्गों का सब जातियों का सम्मान होता है और सही मायने में सबको प्रतिनिधित्व सबको सम्मान और सबको आदर दिया जाता है। और अभी मैं सुरेंद्र जी से जो कि सुरेंद्र जी इधर आ जाइए अपने अध्यक्ष अरुण जी अपने चौहान जी चंचल जी और फौजी प्रधान मेरे समाज से और जितने भी आए हैं मेज जी हैं रतन जी हैं सोनू जी हैं गजय सिंह जी हैं और रामचरण जी भी हैं और जितने मेरे साथी आए हैं सबका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं लगातार तीन बार एमसी चुनाव जीत करके नगर चुनाव मैं वहाँ पे कांग्रेस पुश में पहुँची नगर निगम में और जनता का मुझे बहुत प्यार मिला बहुत आशीर्वाद मिला और सबने मेरे से बहुत अच्छे वोटों से बहुत अच्छे मतों से जिताया और आज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अरुण सूद मेरे भाई भी हैं मेरे छोटे वीर भी हैं और एक परिवार भी है इन्होंने आज मान सम्मान बढ़ाया और जो जितना जनता ने प्यार दिया मुझे बहुत अच्छा प्यार मिला मुझे और उसके आगे मैं तीन बार जैसे जीत के आई हूँ मैं सबसे पहले मेरा धनाज था फिर मैं कझेड़ी 43, 52, 61 तीसरी बार फिर मेरे से 5 नंबर वार्ड से धनाश और 25 और मैं विश्वास दिलाती हूँ जी आपसे अरुण जी मेरे छोटे भाई बिल्कुल ईमानदारी से और निष्ठा से बिल्कुल तय दिल से मतलब काम करूँगी और आपके साथ हैं मिलके चलूँगी और आपने धार्मिक समाज का जो आपने गौरव बढ़ाया मान बढ़ाया है अपने विक्की सेहरा जी को धार्मिक समाज की तरफ से आपने उसको टिकट दिया और उसको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हम उसके साथ लग के ये नगर निगम का चुनाव है जो जीत करके आपको विश्वास दिलाती हूँ ये सीट हम जीतेंगे और तय दिन से आपका धन्यवाद करती हूँ। वो संगठन को चलाने का अंतर है कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है और इसीलिए कहीं ना कहीं पूरे देश से खत्म होती जा रही है और बीजेपी की जो सोच है वो कार्यकर्ता को मजबूत और संगठन को मजबूत करने का काम करती है। इसकी एक जीती जागती मिसाल जो मैंने देखी वो हमारे अध्यक्ष जी अरुण सूद जी ने की है। जिस तरीके से सुभाष चावला जी ने खुद की सीट के लिए भी तैयारी कर रखी थी और अपने बेटे को भी टिकट देने की तैयारी की थी और अध्यक्ष होते होते अपने बेटे को भी लड़ा रहे हैं वो और पवन कुमार बंसल जी इतने बड़े अहदे पर बैठने के बाद भी मनीष बंसल को बिना किसी पदाधिकारी के सभाओं में भेज रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब वो त्याग नहीं देना चाहते परिवार में ही सारी चीज रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो अरुण सूद जी का जो त्याग है अपने वार्ड से ये एक मिसाल है क्योंकि ये युवाओं की पार्टी है युवाओं को महत्व देती है। अरुण सूद जी ने अपनी जीती हुई सीट युवा अध्यक्ष को जो दी है इसके लिए मैं अरुण सूद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।